सेंटर ओके सर सेंटर यू नो करण के न्यू शो आ रहा है लव ओके प्लीज और स्क्रीनिंग लगी गई है खास तौर से दोस्तों के लिए जो क्या कहना चाहेंगे आज ही आपने बताया कमाल की बात ये है करण इज टेलिंग पीपल हाउ टू फॉल इन लव सो वी सॉ द ट्रेलर फिर लाइक ओह करण ओह व्हाट अ परफेक्ट फिट बहुत एक्सपीरियंस है करण के पास प्यार का मार देगा मुझे सुन लिया तो बट द शो लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हमने ट्रेलर देखा मुझे लगा क्या है ये क्या है एंड देन आई सॉ द ट्रेलर आई एम लाइक आई वांट टू वॉच इट जेन्युइनली वांट टू वॉच इट तो करण का शो है इसलिए नहीं बट मेरे को जेन्युइनली इतना अच्छा लगा ट्रेलर दैट आई वांट टू वॉच इट ओके सर कुछ अगर बात करें तो आप तो प्यार कर ही चुकी हैं लेकिन डेटिंग वगैरह अभी आजकल ऐप्स आए हैं जो बहुत सारे डेटिंग वगैरह पे के लिए तो उन सब डेटिंग ऐप्स पर लोगों को मिलना उन सब में कितना बिलीव करते हैं पहले व्हाट्सएप ने प्यार को रद्दी बनाया अब ये डेटिंग ऐप्स बना रहे हैं ये जो दिस आई कैन स्पीक फ्रॉम माय हार्ट आई थिंक इट्स रियली स्टूपिड इट्स वेरी स्टूपिड ये जो 10 सेकंड की चैटिंग वाला प्यार है आपका जो आपने एक राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करके बना लिया है ये सच्चा नहीं है दोस्तों सो गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड और अपने लिए लोग ढूंढो जिनसे आप बातें कर सकते हैं क्या सलाह दूँ यार आज आप मैंने देखा लोगों को आज किसी एक ऐप पे मिलते हैं फिर उन्हीं के ऐप चेक कर रहे होते कि और किस किस को लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करना इतनी ट्रबल लाइफ पहले कॉम्प्लिकेशन कम है जो और कॉम्प्लिकेशन चाहिए आपको लाइफ में जेन्युइनली यू नो आई थिंक फॉलिंग इन लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड एक ऐसा पार्टनर जो आपको उड़ान भरने में मदद करे वो बहुत मुश्किल से मिलता है और वैसे दुनिया पर काटने के लिए खड़ी है और पर काटने के लिए या बांधने के लिए लोगों को अपनी ज़िंदगी में ना लाइए कोई ऐसा ही लेकर आइए जो आपके साथ एक उड़ान भरे सो यू नीड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एंड जेन्युइनली वो एक लेफ्ट स्वाइप पे नहीं होने वाला ओके अगर हम शो की बात करें तो यू नो इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग भी है बहुत सारा तो आप पर्सनली ट्रैवल करना कितना पसंद करते हैं और कौन सी जगह आपकी फेवरेट है तो सूटकेस से ही आई लिव आउट ऑफ अ सूटकेस गाइस आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने सूटकेस जैसे खोला और वो 10 दिन भी अलमारी में पड़ा हो बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग या तो मैं काम के लिए ट्रैवल कर रही होती हूँ अगर काम के लिए नहीं कर रही होती तो मुझे लगता है कहीं जाके ट्रैवल ही कर लेती हूँ एंड आई फील कि जैसे बंद मुट्ठी में एक दुनिया नहीं समा सकती ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर में रहते हुए लगता है कि यार यही पूरी दुनिया है अपने सेक्टर में रहते हुए लगता है यही पूरी दुनिया है तो ऐसे जितनी जगह में हम रह जाएंगे उतने लिमिटेड रह जाएंगे मुझे लगता है बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए और लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग मतलब बहुत पैसा खर्च मुझे लगता है ट्रैवलिंग मतलब दिमाग से सोचो दिल से सोचो तो बहुत पैसा नहीं खर्च होता बस खुल कर जाओ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू यू नेवर नो आप कभी कोई नया बिजनेस आइडिया ले आओगे आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ आप जुड़ जाओगे आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो ओके सो लास्टली करण के शो के लिए क्या कहना चाहेंगे करण इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री और उसको ये बात पता है जिस बात का वो फायदा भी उठाता है हमारे साथ राज इतना छुप के जाने की जरूरत नहीं कौन सा प्राइवेट सीन्स चल रहे बट ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल तो करण कुछ भी करे मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा तो मुझे और भी खुशी है एंड आई होप हिम ऑल द बेस्ट इन ऑल हिज एंडेवर्स थैंक यू Sir, let Sargun also come, we'll do it together. Ajay, wo bhi aajay. हाँ जी ओके ओके सो करण आ रहे हैं टाइम के साथ में लव ओके प्लीज तो क्या कहना चाहेंगे करण के इस शो के लिए देखा आपने ट्रेलर वगैरह मैं बोल चुका बड़ी हाँ तो यही कहना चाहेंगे यार कि ऑल द वेरी बेस्ट टू करण करण इज वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द टेलीविजन फ्रेटर्निटी ही इज द मोस्ट अडोरेबल गाय दैट वी नो फ्रॉम द टेलीविजन फ्रेटर्निटी और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा करीब है सरविंग के भी उतना ही करीब ऑल द वेरी बेस्ट एंड लाइक वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑल द टाइम मे ही डू वेरी वेरी वेल विद द शो आल्सो ओके जब हम सरविंग से बात कर रहे थे तो हमने उनसे भी जाना कि यू नो डेटिंग एप्स वगैरह पे आजकल प्यार मॉडल हो गया है आप लोग तो नहीं वो प्यार नहीं नहीं वो प्यार नहीं मिला लेकिन आप लोग कितना आप कितना
कितना बिलीव करते हैं डेटिंग ऐप्स वाले प्यार में। देखिए कई दफ़ा ना कुछ भी मीडियम बन सकता है दो लोगों के मिलने के लिए। हम लोगों के मिलने के लिए एक टेलीविजन शो मीडियम बना, दो लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप भी मीडियम बन सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दो लोग जो हमेशा डेटिंग ऐप पे मिलते हैं वो ज़रूरी है कि प्यार में ही पड़े। जो होता है उनके बीच में वो अक्सर प्यार नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसमें एक अच्छी रिलेशनशिप भी निकल जाती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप, बट ऑल्सो बट मोस्ट ऑफ इट एंड्स अप इन एक्सप्लोरिंग टू पीपल व्हिच इज़ ऑल्सो नॉट सो बैड, इट्स ओके। नहीं गए रोम, आई वॉन्ट टू विजिट रोम एंड आई वॉन्ट सरगुन ऑल्सो टू कम टू रोम विद मी। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इट बींग अ वेरी रोमांटिक प्लेस इट्स ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, सो दैट्स व्हाई इट इंट्रिग्स मी अबाउट। मैं न्यूयॉर्क या लंदन तो मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि हम लोग जाएँ। हम दोनों को सिटी लाइफ बहुत पसंद है, सो आई थिंक वी वॉन्ट गो टुगेदर टू लंदन, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया देखेंगे यार। नहीं नहीं वो आज ना क्या हूँ, आज ना क्या हूँ तो इसके लिए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट दिस इज द क्विकेस्ट हेयर स्टाइल दैट्स पॉसिबल आई थिंक, यू नो, जस्ट व्हेन यू कम आउट ऑफ द बाथरूम जस्ट कॉम योर हेयर। और वेट इसलिए लूज करा है बिकॉज़ जो हमारे घर पे हेल्प है वो छुट्टी पे है और मैं खाना बनाती नहीं। हाँ वो आप खा के देखो उसके हाथ का खाना अपने आप हो जाएगा वेट लूज, माइंड भी लूज हो जाएगा। बहुत हेल्दी, हल्दी डाल के फूड बनाती है, हेल्दी फूड नहीं बनाती है। नहीं बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा, जब बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है। ये इसको मेरा गाना और मेरा खाना दोनों बहुत पसंद है, दोनों चीज़ों की कंसिस्टेंटली तारीफ करता ही रहता है, सब करते हैं। खाने के शो में अच्छा नहीं यार, मैं शो बंद कराने में बिलीव नहीं करती। ये तो खाना बनाने की खाएगा कौन। बस करण बहुत बढ़िया करें, हमेशा यही हमारी इच्छा होती है अपने सभी दोस्तों के लिए, करण के लिए भी यही इच्छा है दैट यू नो आई जस्ट होप दैट ही डज एक्सट्रीमली वेल विद व्हाटएवर ही इज डूइंग। भगवान करे तुम भी ऐसे ट्रैवल करते करते एक दिन सिंगल से डबल हो जाओ। ये भाई के लिए विश है, वो बेचारा कैमरामैन सोच रहा है मैं डबल हो जाऊं ट्रैवल करते करते। उसने मैक्लोडगंज की टिकट कटा ली, कुछ भी नहीं भाई, कुछ नहीं नहीं ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं, कुछ भी बना लिया तुमने अब ऐड कर करके वर्ड्स। थैंक यू, सी यू। सपोर्ट ना भी करें ना तो करण के जितने फैंस हैं, जितनी लड़कियां वहां पे जो मरती हैं करण पे, वो इतना सपोर्ट कर देंगे कि ये शो तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। He doesn't need us. Yeah, yeah. अगर हम नहीं आते तो हमें लात पड़ जाती। So we are here. Okay, this show is all about love. लेकिन उसके बाद शादी हो गई ना, फिर लव का क्या होता है आप बताओ, आपकी शादी हो गई? फिर लव मिल जाएगा। मुझे तो लव भी नहीं मिला यार, मैं क्या बात करूँ यहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। He's the right candidate. अरे, you should have been sent on the show. हाँ, I should have been one of the contestants. Yeah, then you would have found a nice girl. Yeah, but भाई का भरोसा नहीं ना, वो गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले जाता फिर। फिर थोड़े दिनों के बाद बोलता है, I'm single. हाँ, exactly. See, यही भाई की बात है। I think भाई was a perfect candidate for this show. Yeah, to host this show, क्योंकि he's going to be minding his own business and he's going to act like Cupid for everybody else. My personal thing on love is ki yaar it does exist, but meri zindagi mein kahan hai, main abhi bhi dhoond raha hu usko, so I will find it some single munda. Ladkiyon sun rahi ho, bahut acha banda bhi hoon. हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो कमीना, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो बदतमीज, जस्ट डिस्कसिंग दैट। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एवरीबॉडी लव्स ट्रैवलिंग, एक ब्रेक हो जाता है फ्रॉम योर रेगुलर डे टू डे मंडेन लाइफ,
सो अभी मुझे इनसे गाली मिल रही थी क्योंकि मैं थोड़े टाइम में जा रही हूँ, बट ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी एनवियबल क्योंकि आप हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत कोनों में जाते हो विद सच शोज, सो वाई इज़ वन लकी गाय. Like sometimes I feel that maybe one of the most exciting things is, especially in respect to this show, with Love Okay Please, is that India mein itni sari khoobsurat jagahein hain. Hum usually sochte hain ki yaar hum bahar jayenge, Europe jayenge, America jayenge, Africa jayenge. Aur India ke andar andar mein itni khoobsurat jagahein hain, especially apna Himachal jo hai, bahut hi khoobsurat hai. So I'm actually very jealous of Vahi and of Aishwarya that she's also going for a holiday. Main yahan pe baith ke kaam kar raha hu, in case that main bhi follow karunga. I love traveling. Like, I mean, that is probably one of the best things as a human being that you can do when you have the time, when you can afford it. नहीं यार जरूरी नहीं है, कभी कभी आप बजटेड ट्रैवलिंग भी कर सकते हो. इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस. जगहों पे पहुंचने के लिए यू डू रिक्वायर ऐसा थोड़ा बहुत कुछ तो चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा फिर कभी आप बस पकड़ लें, कभी आप ट्रेन पकड़ लें. ट्रैवलिंग इन वन वे ऑन अदर इट एक्चुअली जस्ट डेफिनेटली चेंजेस यू एज अ पर्सन, मेक्स यू अ बेटर पर्सन फॉर श्योर, मेक्स यू ग्रो. बहुत जरूरी. See, it may sound very pretentious, but I love New York. Like in India, mein, if I have to go to a place, not many people know of it. It's a small valley called Tenga. Tenga Valley. Arunachal Pradesh mein hai, and I've spent like a year of my life there. So Tenga. How do I not know about it? Not that I'm from the Northeast, but I've not heard of this place. It's a small valley. It's 12 hours by bus from Guwahati. Okay. So aap Assam se Arunachal Pradesh. यार मेरे लिए आई अब्रॉड अगर देखें तो ग्रीस है, बट इंडिया में एक तो ये जो ये जगह है यहाँ पे बीड़, आई रियली लाइक दिस प्लेस. इनफैक्ट अ कपल ऑफ आर फ्रेंड्स धनजानी रजत परमेचा अभी फिलहाल बीड़ में ही है, वाई एंड आशा वर देयर लास्ट ईयर एज वेल. सो ये एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है जहाँ हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने कैफेज़ भी लगा रखे हैं, एंड इट बिकम्स इट्स जस्ट वन ऑफ दोज प्लेसेज जहाँ पे अभी भी बहुत सादगी बाकी है. सो यार दिस आर सम ऑफ माय ब्यूटीफुल फेवरेट प्लेसेस. Favorite person to travel with? Who's yours? In India, my father, because उन्हें India की बहुत knowledge है, and बाहर I don't think I have an option. I think I'll have to take Rohit with me. तो मुझे मार डालेगा. So Rohit. For me, it is Rajat Barmecha because we traveled because of work. हम लोग Switzerland गए थे. और कई लोगों को लगा था कि शायद हम ही एक कपल है बिकॉज हम इतनी खूबसूरत रोमांटिक जगहों पे जा रहे हैं. व्हाट वर यू डूइंग चैंग? आई वाज शूटिंग ऑन समथिंग, ही वाज माय प्लस वन. सो लोगों को लगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, बट या आई मीन एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई हैव रियलाइज दैट विद हिम वो बंदा जिस तरह से पॉजिटिव है एंड नो नॉनसेंस है, आराम से चिल करके ट्रैवल करते हैं, ही वुड बी माई फेवरेट ट्रैवल पार्टनर. करण भाई को हमारी विशेष की ज़रूरत नहीं है, लाइक ही सेड उसके भाई दे देते हैं, चल दे देते हैं भाई, रख ले हमारी, ऑल द बेस्ट यार, दुआएं ले ले. बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट द शो इज गोइंग टू रॉक. इट विल, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऐश्वर्या फोकस कर, आगे सेंटर में आ गए, के बारे में शो है बहुत बराबर शो है, मतलब अगर इनके साथ नहीं तो फिर इसके साथ, अगर इसके साथ नहीं तो इसके साथ, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों, किस लिए, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है लड़का, है ना, बड़ा ही एडजस्टिंग लड़का है और बहुत शौकीन है ट्रैवलिंग का. और जब वो ट्रैवल करता है तो उसके साथ क्या क्या हुआ है वो शायद वो सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ वो अपने कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए. ओके, थैंक
हमने ट्रैवल बहुत किया लेकिन ट्रैवल करते करते वो प्यार कभी प्यार कभी नहीं हुआ है। वो देखना है प्यार हुआ तो उन्हीं के साथ ट्रैवल किया है। हां मतलब एक बार ट्रैवल किया प्यार हो गया फिर अभी तक उन्हीं के साथ ट्रैवल चल रहा है मतलब पिछले नो बट ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल लव ट्रैवलिंग आई एम श्योर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ट्रैवल करना यार हमने कितनी छुट्टी साथ में की हम लोगों ने एग्जैक्टली वी हैव डन 20 25 हॉलीडेज टुगेदर तो साथ में नो दिस गाइस हैव रियली ट्राइड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट वेयर यू नो दे आर टेकिंग पीपल ऑन अ रोड ट्रिप वाओ हाउ आई विश आई कुड बी देयर आई कांट But and there you go, you fall in love. So I'm sure it's going to be an experience which is going to be of a different kind. So I wish the entire team all the very best. For me, it's been New Zealand. But now... Really? Yeah, I think I like Spain a lot. So I think I'm going to like that. We're going to get a lot of hate. I've said this in my interview that कि थोड़ी गलती हो गई है कि बहुत ज़्यादा देशों में हमने ट्रैवल किया हुआ है बाहर लेकिन अब डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमारे देश जैसा खूबसूरत देश और कहीं भी नहीं पूरा नया नेक्स्ट टारगेट है इस साल का ओनली हिमाचल और एग्जैक्टली अभी हमेशा साथ में है भगवान करे अगले सीजन में वो भी एक से दो हो जाए ओह या इट दैट वुड बी अ रियल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस इट कुड बी यू नेवर नो यार But why you always been doing something different and honestly it's very good to see people try so hard and wish you and your team all the very best my friend. Thank you.